तो शहर शहर मौसम का कहर नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। दिल्ली में झमाझम बारिश से हल्की ठंड का एहसास होने लगा है और साथ ही कई इलाकों में बारिश की जो स्थिति है वो बेहद ही भयावह है। तीन तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जलभराव की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। लगातार लोगों की परेशानी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम, दिल्ली और नोएडा की तस्वीरें जहाँ पर जलमग्न हो चुकी हैं सड़कें। तो मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में आज भी हल्की बारिश की संभावना जताई है। लोगों से साफ तौर पर कहा है कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। गुरुग्राम की बात करते हैं, कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति है। ये तीन तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो जगह जगह जलभराव की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए देश के कई राज्यों में अचानक मौसम का बदलाव देखने को मिला और जिसके बाद मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। और सबसे पहले येलो, ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अलर्ट कहाँ कहाँ है वो इस वक्त हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं। ये भारत का मैप और जो हम आपके सामने कह रहे हैं कि आधा हिंदुस्तान पानी में है, क्यों कह रहे हैं ये तस्वीरें मोनिका ब्रीफ करेंगे आपको। बिल्कुल, देखिए सावधान होना है क्योंकि आफत लगातार बाकी है अभी। क्योंकि देखिए मैप में आपको दिख रहा होगा ये ऑरेंज अलर्ट और ये येलो अलर्ट, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये वो इलाके हैं जहां पर येलो अलर्ट है। और दो इलाके ऐसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जहां पर ऑरेंज अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है मौसम विभाग के। और साथ ही ये कहा गया कि देखिए ये जो इलाके हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया यानी कि वहां पर हल्की बारिश होगी, लेकिन येलो अलर्ट के हिसाब से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही लोगों से ये कहा गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा घर पर रहें क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटे में इन इलाकों में भारी बारिश होगी। बहराइच की इस वक्त हम बात करेंगे। बहराइच में आई बाढ़ से 30 गांवों में पानी भर चुका है। बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम अलर्ट है। सीमा सुरक्षा बल के जवान भी बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। साथ ही कई गांवों से संपर्क टूट चुका है, फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। और ये बहराइच की तस्वीरें आपके सामने हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए आप समझ पा रहे हैं कि फसलों का यानी किसानों के चेहरे पर इन दिनों मायूसी देखने को मिलेगी। ये धान के फसल के कटने का वक्त है और ऐसे वक्त में अगर बारिश हो तो परेशानी आप समझ सकते हैं। बात मध्य प्रदेश करते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में भी लगातार बारिश से लोग लगातार परेशान हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, बारिश का पानी घरों में घुस चुका है। लगातार बारिश की वजह से परेशानी बहुत ज्यादा है, कारोबारी और किसानों से नुकसान उठाना उन्हें पड़ रहा है। ये मध्य प्रदेश के मुरैना की तस्वीर 20 सड़क की आप देखिए, जहां पे लोग कितने मजबूर हो चुके हैं दिनचर्या के लिए, जब वो बाहर निकलते हैं तो कैसी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है उन्हें। तो परेशानी लोगों की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि बादलों की आफत जो है अक्टूबर में भी बरस रही है और जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। सर्दी का आलम अभी ही यानी मौसम में तब्दीलियां, घनघोर बारिश, मूसलाधार बारिश और उसके बाद क्या हो रहा है, ठंड लोगों को लगनी शुरू हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि ये अक्टूबर नहीं नवंबर दिसंबर का महीना है। तो बादलों का आपातकाल एक बार फिर से अक्टूबर में देखने को मिल रहा है, लोगों की जिंदगानियों पर ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। दरअसल चीन सागर में नूरू तूफान के कारण बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र और चक्रवाती हवाएं चल रही हैं, जिससे नमी मिलने से बारिश हो रही है जो अब आंध्र प्रदेश की ओर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से बिल्कुल अनुपमा बिल्कुल देखिए जिसकी वजह से ये समझा जा सकता है कि आखिर हालात जो है वो क्यों बिगड़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, बारिश की वहां पर लगातार संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद उत्तर भारत के कई हिस्सों में इसका असर देखने को मिल रहा है बड़े पैमाने पर। और मौसम विभाग ने यही वजह है कि कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी की बात करें, उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही कई इलाकों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, ओडिशा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है, इसके साथ ही बिहार, झारखंड में भी भारी बारिश का अनुमान है। आशंका ये जताई गई है कि 10 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें, जहां पर पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है, वहां पर भी बादल छाए रहेंगे और जिसकी वजह से एक हफ्ते तक हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो त्योहारी सीजन है और ऐसे वक्त में अगर लोग परेशान हो रहे हैं तो इसके पीछे ये है कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे, मूसलाधार बारिश और बारिश की वजह से ठंड का मौसम। तो मैदानों में बारिश हो रही है, वहीं पहाड़ों के हालात भी ऐसे ही नजर आ रहे हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है।
उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी है। इसके बाद बात करें निचले इलाकों की, तो निचले इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। खासकर उत्तराखंड के चमोली की बात करें तो भारी बर्फबारी ने दरअसल वहां के लोगों की मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। लगातार बर्फबारी की वजह से परेशानी हो रही है और बर्फ गिरने से वहां ठंड अचानक बढ़ चुकी है और बर्फबारी की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं चमोली की, तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं चारों तरफ कई इंच बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जिसकी वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। लोग घरों में कैद हो गए हैं।